जय भीम साथियों, 5 दिन पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक क्रूर घटना में 19 साल की दलित युवती स्नेहलता की हत्या कर दी गई। स्नेहलता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कर्मचारी थी और राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी भी खेल चुकी थी। इस निर्दयी घटना पर कुछ स्थानीय संस्थाओं ने विरोध जरूर जताया है, सोशल मीडिया पर भी अंबेडकरवादियों ने मुद्दा उठाया है, पर हॉकी इंडिया हो या महिलाओं का राष्ट्रीय आयोग या बड़े तौर पर ऑनलाइन मीडिया हो या टीवी मीडिया, इस घटना पर ज्यादातर चुप बैठे हैं। पुलिस की निष्क्रियता पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। ये बिल्कुल विपरीत है उस उत्तेजना और प्रतिक्रिया के जो पिछले साल नवंबर में हैदराबाद में युवती डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की हत्या के बाद देखी गई थी। एक सवर्ण जाति की महिला के साथ हिंसा पर पूरा भारत उत्तेजित हो गया था, मीडिया में काफी हंगामा हुआ, फिल्म हस्तियों से लेकर क्रिकेटर्स तक ने हिंसा की भर्त्सना करी। घटना के 1 महीने बाद ही पुलिस ने आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया था। हम ये नहीं कहते कि एनकाउंटर हो आरोपियों का या मृत्यु दंड दिया जाए, पर प्रशासन, पुलिस और खासकर सवर्ण मीडिया और एक्टिविस्ट की चुप्पी पर दोहरेपन का सवाल जरूर खड़ा होता है। साफ दिखाई देता है कि किसी पीड़ित के खिलाफ अपराध के विरुद्ध उत्तेजना का स्तर उस व्यक्ति की जाति पर निर्भर करता है, क्योंकि स्नेहलता के परिवार ने आरोप लगाया है कि ये जातिगत हिंसा है। दो सवर्ण लड़कों ने इसे अंजाम दिया है। उनके माता पिता ने कहा है कि राजेश नाम का एक व्यक्ति उनकी बेटी को प्रेम के बहाने परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से कर रखी थी, पर उस समय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। खबरों के मुताबिक पुलिस ने केस रजिस्टर करते हुए राजेश को गिरफ्तार कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि ये यौन हिंसा की घटना नहीं है, हत्या करके कागजात और बॉडी को जलाने की कोशिश करी गई। दलित संस्थाओं ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष वसी रेड्डी पद्मा और स्थानीय एमएलए अनंत वेंकटरामी रेड्डी का घेराव किया। स्नेहलता के परिवार, छात्र संगठनों और विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी स्थानीय पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रोहित वेमला की माँ राधिका अम्मा ने भी ट्वीट करके कहा है कि जब आरोपी स्नेहलता को परेशान कर रहे थे, तब पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय स्नेहलता के परिवार से ही कहा कि आप कहीं और जाकर बस जाएं। ट्विटर पर #justiceforsnehlata ट्वीट करते हुए अंबेडकरवादियों ने याद दिलाया कि कैसे स्नेहलता एक बेहतरीन छात्रा थी और हॉकी में काफी सारे मेडल्स भी जीत चुकी थी। पुलिस के एक्शन ना लेने की वजह से एक उज्जवल भविष्य का अंत हो गया। बहुत सारे लोगों ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की भी जमकर भर्त्सना की। दबाव में आकर आंध्र प्रदेश सरकार ने स्नेहलता के परिवार के लिए 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि और 8 लाख कानूनी प्रतिक्रिया के खर्चा देने की घोषणा करी है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष वसी रेड्डी पद्मा ने कहा है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और आरोपियों को सजा तो मिले ही मिले, पर राष्ट्रीय आयोग और मीडिया में बड़े औहदे पर बैठे सवर्ण भी इस घटना पर अपनी चुप्पी तोड़े। और ऐसी तमाम खबरों के लिए, बहुजन समाज से, दलित बहुजन समाज से जुड़ी, आदिवासी समाज से जुड़ी तमाम खबरों के लिए शूद्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम।